यूपीएससी टॉपर में 14th रैंक अंकिता चौधरी। जब लिस्ट में नाम आया उसके बाद क्या एहसास जगे, क्योंकि कईयों के लिए अब ये रोल मॉडल भी बनेंगी और कई रोल मॉडल्स चीज़ों को खड़ा भी करेंगी, क्योंकि अब देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। तो आइए आपको मिलवाते हैं अंकिता से। अंकिता, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। इस सिलेक्शन पे क्या कहेंगे? सर, एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिलेक्शन थी, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आई विल बी इन टॉप 20s, बट आई रिमेंबर एन एक्सपीरियंस स्पेशली मॉक इंटरव्यू में सर के साथ ही, कि दे वर टेलिंग मी दैट यू विल डू गुड, यू विल बी इन टॉप 20s। सो आई वॉज वेरी नर्वस एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। तो वेन आई केम टू KSD, तो माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज दैट मे बी आई विल डू गुड। तो KSD में और स्पेशली खान सर ने जो कॉन्फिडेंस दिया है, तो आई थिंक उनके लिए बहुत मेन से लेके इंटरव्यू के बीच का समय काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि आप मेन्स में बहुत कुछ लिखते हैं और आपको डर होता है कि किसी एक पेपर में ऊपर नीचे नंबर हुए तो इधर का उधर हो जाएगा, तो उसको कैसे हैंडल किया और मेन्स में आपने मतलब आपका कौन सा सबसे बेस्ट पोर्शन गया, ऑप्शनल, GS या उसमें? ओके सर, एक्चुअली दिस वॉज माई फर्स्ट मेन्स, तो आई हैड नो आइडिया कि मैं कैसा परफॉर्म करूँगी या कौन सा पेपर अच्छा जाएगा, क्या चीज़ वर्क करेगी क्या नहीं। बट ऑप्शनल ने मेरे को बहुत हेल्प किया। आई हैव स्कोर्ड 314 इन द ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ जी, तो बहुत मिसकंसेप्शन थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा स्कोर नहीं कर रहा है, बट दिस टाइम सबने बहुत अच्छा स्कोर किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो मेंस और इंटरव्यू के बीच का टाइम था, तो आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई हैड वन अनदर इंटरव्यू फॉर माई जॉब, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग कॉन्टिन्यूसली। कैसा लगता है जिस दिन आपने रिजल्ट देखा और रैंक 14 अंकिता, कैसा लगा? सर, एक्चुअली मैं रूम में अकेली थी और मैं किसी के कॉल्स वगैरह कुछ अटेंड नहीं कर रही थी, तो जैसे ही मुझे PDF मिली, ग्रुप पे आई वीडियो कि रिजल्ट आ गया है एंड ऑल, तो मैंने सबको PDF भेज दी कि चलो कोई लास्ट से स्टार्ट करेगा, कोई बीच से स्टार्ट करेगा, लेट्स सी कि कहाँ पे नाम है और है भी या नहीं है। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप और जब फर्स्ट पे 14th, तो आई वॉज लाइक मैं बैठ गई बेड पे एंड आई वॉज लाइक कि नहीं हो ही नहीं सकता, मैं दोबारा चेक करती हूँ। फिर सबके कॉल्स आने लगे, तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हाँ चलो क्लियर हो गया ना, आई स्कोर्ड दिस रैंक। कहीं ना कहीं अब बीइंग ए फीमेल आप रोल मॉडल भी बनने वाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस मिथ को अब हम धीरे धीरे तोड़ते चले जा रहे हैं। हाँ जी, उस पे आप क्या कहेंगे? आई थिंक UPSC का रिजल्ट इस बार ये शो करता है कि आई थिंक वुमेन आर नो लेस देन एनीवन एल्स, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं रिजल्ट में स्पेशली हरियाणा से अगर हम देखें, तो हम मोस्टली आई थिंक वी आर 8 to 10 गर्ल्स हरियाणा में एंड वी आर ऑल IAS ऑफिसर्स गोइंग टू बी। तो आई थिंक ये अपने आप में एक मिथ तोड़ रहा है। एंड अभी मैं जब घर गई थी, तो इतनी सारी गर्ल्स दे केम टू मी और पूछ रही थी हाउ टू प्रिपेयर, तो मेरे को लग रहा है कि आई थिंक पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो आई विल बी हैप्पी अगर मेरी थोड़ी सी भी सक्सेस किसी और के सक्सेस को कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। तो आगे क्या करने का सोचा है बीइंग ए IAS, कुछ सपने? मेरा फर्स्ट आई थिंक आई विल फोकस ऑन द गर्ल्स एजुकेशन पार्ट।